छह बजे सर जी कल इधर जब हल करने जाओगे दोनों का लौसा ले लो, x प्लस कितना हो जाएगा चार और x माइनस कितना हो जाएगा सात, इससे भाग कर दो खत्म हो जाएगा ये बचेगा x माइनस सात होगा ना, और माइनस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा लड़के x प्लस x प्लस सात खत्म हो जाएगा, तो ये हमेशा यहाँ माइनस होता है, इसको ब्रैकेट में लिखा करो बराबर ग्यारह बटा में कितना हो गया। अब यहाँ से हल कर दोगे तो देखो x माइनस सात हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का चार, इसको गुणा कर दो तो x स्क्वायर प्लस का चार x माइनस का सात x और माइनस का कितना हो जाएगा अट्ठाईस बराबर ग्यारह बटा में तीस। कट गया यहाँ से, कटने के बाद माइनस का ग्यारह हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस का अट्ठाईस बराबर ग्यारह बटा में कितना हो गया तीस। यहाँ से ऊपर से ऊपर कट जाएगा, कोई दिक्कत ना है क्योंकि बराबर का चिन्ह है, वन बटा माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस तीस माइनस का अट्ठाईस और एक बटा में कितना हो गया लड़के तीस हो गया, कोई दिक्कत ना है यहाँ तक। अब जब इसको तिरिया गुणा कर दो तो ये आ जाएगा इधर, ये माइनस का तीस बराबर एक्स स्क्वायर सॉरी हाँ थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स माइनस का अट्ठाईस और माइनस स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस का अट्ठाईस और माइनस का कितना हो जाएगा बाबू कोई दिक्कत है, पलट दिया और इधर पछांतर करोगे अरे यही टाइम है मेरे भैया इधर आ जाएगा तो अट्ठाईस प्लस का तीस बराबर कितना हो जीरो, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस का दो बराबर कितना हो गया लड़के जीरो हो गया। याद है ना, अरे तुम्हें गुणनखंड करने नहीं आएगा तो सबसे आसान है कि तुम सिद्धाचार फार्मूला लगा देना, ठीक है ना। मैं पहले सिद्धाचार ही लगा रहा हूँ फिर गुणनखंड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखोगे की तुलना क्या करोगे बराबर जीरो से, यहाँ से तुम्हारा ए बराबर वन हो जाएगा, बी बराबर तुम्हारा माइनस का तीन हो जाएगा, सी बराबर दो हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे अतः कौन सा फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र से, तो यहाँ हल करने जाओगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी और माइनस फोर ए सी अपान टू है, एक्स बराबर माइनस का बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का तीन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का तीन का होल स्क्वायर चार गुण से एक गुण से दो हो जाएगा, यही नंबर का बोलो और तो कुछ होगा नहीं, और बटा में दो गुण से एक, तो यहाँ से बाबू एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा अंडर में तीसरी लेके आठ हो जाएगा बटा में दो, एक्स बराबर तीन प्लस माइनस अंडर रूट एक बटा में कितना हो गया सबका दो, एक्स बराबर हो जाएगा तीन प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा बटा में दो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप पहला प्लस धनात्मक लेना, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर हल कर दोगे एक्स बराबर हो जाएगा तीन प्लस एक बटा में दो हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ से चार बटा में दो कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ गया दो। दूसरा आप ले लोगे दूसरा आप ले लोगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेने पर गुरु तो ये हो जाएगा एक्स बराबर तीन माइनस एक बटा में दो, एक्स बराबर हो जाएगा दो बटा में दो कट जाएगा ना, तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे अतः समीकरण का मूल इक्वल टू कितना हो जाएगा वो दो कामा एक, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा आगे देखो, यदि तुम चाहोगे तो छोटा दिया हुआ है ना, तो छोटा दिया हुआ तुम इसको गुणनखंड विधि भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से मैं तुम्हें दिखाता हूँ
यहाँ करके ये यहाँ दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो दे दिया है। ठीक है, तब जब इसको लगाने जाओगे तो गुणा कर देने पर दो हो जाना चाहिए, जोड़ देने पर तीन हो जाना चाहिए। ये गुणनखंड है आप ये लिखोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस दो प्लस एक इंटू एक्स प्लस टू बराबर कितना हो गया जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस का टू बराबर जीरो। ठीक ना, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस टू माइनस वन कॉमन ले लो तो एक्स माइनस हो जाएगा टू बराबर कितना हो गया जीरो हो गया। एक्स माइनस टू हो जाएगा दूसरे में एक्स माइनस वन बराबर कितना हो गया जीरो। तो पहला एक्स माइनस टू दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो बटा में एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो एक्स बराबर टू हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन बराबर जीरो न जी। एक्स माइनस वन बराबर जीरो बटा में एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो एक्स बराबर वन हो जाएगा। तुम्हारा आंसर हो जाएगा दो कामा एक हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देना छोटा रहेगा तो ये नहीं है कि सीधा चार लगाओगे उससे भी लगा लोगे तभी आंसर हो जाएगा, लेकिन बड़ा रहेगा।